हेलो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू हैप्पीनेस वर्ल्ड। आई एम योर हैप्पीनेस खुशी। सो मैंने सोचा क्यों ना दो तीन दिन को कंबाइन करके व्लॉग बनाया जाए। तो ये है फर्स्ट डे और इस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा तैयार होके गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि हम एक प्रोग्राम करना था, नर्सेस वीक चल रहा था इसलिए। फिर मैं हॉस्टल आके मैंने फेस वॉश करा ठंडे ठंडे पानी से, और मेरे से ना काफ़ी लोग पूछते हैं यार तू इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, ड्यूटी और व्लॉग एडिटिंग सब कुछ, और इतना मतलब पढ़ाई में भी प्रोडक्टिव, ये सब कैसे। तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करा जाए रूटीन। तो फिर आके मैंने हेयर ऑयलिंग करी, और यहाँ पे मेरी जो रूममेट है दीदी वो मुझे कुछ गॉसिप दे रही थी। मुझे हेड वॉश करना था इसलिए मैंने पहले आके ऑयलिंग करी, और मैंने ना वुड वाला कॉम्ब जो है वो स्टार्ट करा है यूज़ करना, और मुझे उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा, मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कुछ भी चीज़, बट या वो जेनरली मेरे बाल कम टूटने लगे हैं उससे। तो मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह से मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, और मुझे कुछ सारी थी कि मैंने आज ही ब्लॉग वगैरह ये सब स्टार्ट करा है दोबारा से मोटिवेट होके, और मेरा फ़ोन ही मेरा साथ नहीं दे रहा। बट फाइनली हो गया, एक घंटा मैं सो भी ली इसमें, और मैंने क्या करा पढ़ाई भी कर ली। अब मेरे को सर धोना था, हेड वॉश करना था, तो मेरे को देखा मैंने कि मेरे पास शैम्पू नहीं है। क्या हो रहा है, तो अभी हम चलते हैं शैम्पू ले आते हैं, और कुछ ग्रॉसरी ले आते हैं लाइक ब्रेड मिल्क, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मुझे खाना भी बनाना है। ओ गॉड, बाय द वे दिस इज लॉकिंग प्रोसेस। सो आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ व्लॉग ऑफ अ वीक, बट यार मैं पूरे दिन में इतना काम करती हूँ ना कि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर मेरे को लगता है कि एक ही दिन का डाल दो यार। बट नहीं, हम वीकली डालेंगे लॉन्ग व्लॉग्स, बस ऐसे ही मेरा मन है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ये सिर्फ 3 दिन का व्लॉग है। सो मेरे मन को गोली मारो। जल्दी से खाना के लिए रखना है और सर्द हो के आना है, फास्ट एंड फास्ट चलो। जल्दी से पहले हेड वॉश ही कर लेते हैं क्योंकि फिर इतना सूखेगा नहीं सर। आवाज़ बहुत तेज आ रही होगी, बट दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द पूरे हॉस्टल में। मुझे ये सब जगह सबसे पसंद है क्योंकि देख ही सकते हो कितना सुंदर फेस आ रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर वीडियो आती है, तो दिस इज़ बेस्ट। और यहाँ पे मैं बोल भी सकती हूँ क्योंकि यहाँ कोई सोता नहीं, क्योंकि किचन है ऑब्वियसली। देखो सो यहाँ पे स्टार्ट हो गई मेरे शाम के खाने की प्रिपरेशन। मैंने हेड वॉश कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा बैंगन का भरता बनाते हैं, तो यहाँ पे वही बन रहा है। फिर मेरे को बनाते बनाते मेरा मन करा तो कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी बना ली साथ में, और फिर मैंने सारी वेजीज़ वगैरह चॉप करी। और आई एम थोड़ा मल्टीटास्किंग, मैं कुछ कर रही होती तो मैं एक चीज़ करने के लिए छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने वही करा। इतना मेरा बैंगन रोस्ट हो रहा है, इतने मेरी सारी वेजीज चॉप हो गई, और मैंने कढ़ाई में प्याज व्याज डाल दी, और फिर जल्दी से चॉपर से अपने टमाटो वमेटो काट लिए, और रोस्टेड गार्लिक जो था वो थोड़ा सा कम चॉप हुआ इसलिए मैंने उसे नाइफ से चॉप कर दिया, और फिर मैंने उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए। एंड बाय द वे, बैंगन का भरता ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरी स्टाइल में बनाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हीरा, फिर मैंने इसमें बाद में टमाटो और गार्लिक डाल दिया, जिसका टेस्ट अमेजिंग था। मतलब फुल रेसिपी हो गई यार ये, तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। और फिर मैंने रोटी बना ली, और भगवान की कृपा से भाई साहब मैंने कैमरा लगा रखा और रोटी फूल गई, वरना मेरे से बहुत कम रोटी फूलती है। देखो हाय हाय, इतनी सुंदर लग रही है सच बट। तो यहाँ यही था। फिर शाम हो रही थी ना, तो मैं बाहर चपाती में बैंगन का भरता भर के, मुझे भूख लग रही थी तो वो मैं ले गई, और साथ में फिर मैंने अपने आइडियाज़ लिखे, क्योंकि मेरे को ना आ जाते हैं आइडिया और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस पे बनाना, तो मैं लिख लेती हूँ इस दिवाली डायरी में। फिर मैं जब भी कुछ बनाने की सोचती हूँ तो मैं इससे पहले देख लेती हूँ कि हाँ मेरे पास कुछ है या नहीं है बनाने के लिए। वैसे बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है, बट फिर भी लिख लेते हैं।
सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जब मैं ऐसे बैठती हूँ इधर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरा मन नहीं भरा शाम को, मतलब रात को, तो मेरा मन करा पेंटिंग बनाने का। तो अगले दिन मतलब नर्सेस डे था, तो मैंने एक पेंटिंग बनाई है, आई होप आपको पसंद आएगी। सो दिस इज़ द पेंटिंग दैट आई मेड, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी एंड आई फील इट। फिर ये नेक्स्ट डे का है, ये सुबह कुछ भी शूट नहीं हो पाया था और फिर हॉस्पिटल में भी इतना हैक्टिक था, मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने आके ये तहारी वाले चावल बनाए और इसको मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन रखी जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मुझे प्रेजेंटेबल फूड खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर मैं ना सो गई थी, मतलब बताया ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन, मैं आके सो गई और मेरी आंखें भी सूजी सूजी हो रही और मेरे ना गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि मैं एक साइड से सो गई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा और बेकार सा फील हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठ गई, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करा अपने साथ और फिर उसके बाद मुझे यूटेंसिल्स साफ़ करने थे अपने इतने सारे वो करे। और शाम को ना मैंने दीदी के रेफ्रिजरेटर में ये ठंडाई वाली आइसक्रीम जमाई थी जो मम्मी बचपन में जमा के देती थी, तो मैंने जमाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और मैंने ना इसमें चीनी की जगह जैगरी डाली तो मुझे बहुत मज़ा आया इसे खा के। फिर मैं जल्दी सो गई थी उस दिन क्योंकि मेरी गर्दन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो कुछ नहीं हो पाया, बैड डे था थोड़ा बहुत कह सकते हैं। एंड दिस इज़ द नर्सेस डे वाली मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ सुबह सुबह भक्ति वाले सॉन्ग, श्री राधे राधे वाला गाना चल रहा था तो मुझे बहुत वाइब कर रही थी मैं उस पर। और आज मेरा ऑफ था इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गई। फिर मैंने अपने कपड़े वॉश करने के लिए लेके गई, मैंने ना इन्हें पानी और सरफ और डिटॉल में भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर वॉश करती हूँ। इतना मैंने ये भिगो के रखे, फिर मैंने सोचा दूध गर्म कर लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ये बेसन का चीला जो कि मुझे बहुत पसंद है और जल्दी बन जाता है। फिर कपड़े वपड़े धो के नहावा के फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी, फिर मैं पढ़ा थोड़ी देर। और आज नर्सेस डे का सेलिब्रेशन भी था तो हमें उसमें भी जाना था, तो मैंने अच्छे से पहले पढ़ाई कर ली। हमने नर्सेस डे सेलिब्रेट करा, ऑडिटोरियम में बहुत मज़ा आया, सारा आईसीयू स्टाफ है। और फिर आके मैंने शाम को खाना खाया और फिर मैं सो गई।